तो क्लास नाइन्थ एंड क्लास इलेवेंथ के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे थे, उनके क्वेश्चन थे, उनकी क्वेरीज थी, उनके डाउट थे कि सर पास प्रमोशन पॉलिसी 2023-24 के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दो क्लास नाइन्थ एंड क्लास इलेवेंथ के लिए। तो जो गाइडलाइंस है पास प्रमोशन पॉलिसी की एकेडमिक सेशन 2023-24 क्लास नाइन्थ एंड इलेवेंथ के लिए, तो टोटल आज हम कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी बात को ध्यान से समझना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है? तो ध्यान से सुनो पूरी बात। तो सबसे पहले क्लास नाइन्थ वाले स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेटेज है, अगर हम इंटरनल की बात करें तो 20 और एक्सटर्नल यानी पेपर की बात करें तो 80। कितना हो जाएगा? 20 प्लस 80 100 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मिड टर्म में कितने लगेंगे? मिड टर्म में जो आप पेपर दिए हो 80 का, उसमें से आपके 20 लगेंगे थ्योरी के। कितने लगेंगे? 20 यानी 20 नंबर लगेगा। उसके बाद में फिर से पूरी बात समझ लो, मिड टर्म में इंटरनल 10 है तो ये 30 हो गया, और उसके बाद में एनुअल की बात करें तो एनुअल का जो 80 नंबर का आप पेपर दोगे उसके लगेंगे थ्योरी के कितने? 60 यानी 60। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है? तो मतलब मिड टर्म में जो पेपर दिया आपने 80 का, 20 उसके लगेंगे और 60 लगेंगे एनुअल के। ये टोटल हो जाएंगे कितने? 80 और मिड टर्म का 10 इंटरनल और एनुअल का 10 इंटरनल, 20 हो जाएगा ये, और टोटल आपका 100 हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर स्किल कोर्सेज वगैरह वगैरह लिखा गया, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? टोटल मिलाकर 33 चाहिए, उसमें मिड टर्म एनुअल इंटरनल मिलाकर ही 33 चाहिए, जिसमें से आपको 10 मार्क्स का ग्रेस भी मिलेगा, भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना? और यहाँ पासिंग क्राइटेरिया में भी आप देख सकते हो सेम है, आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स के बारे में। यहाँ पर लिखा है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, 10 नंबर का मिलेगा आपको, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आगे क्लास इलेवेंथ के लिए देख लो। इसके बाद अगर हम क्लास इलेवेंथ की बात करें वेटेज के लिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया अगर थ्योरी आपकी 70 नंबर की है, यानी आपका पेपर 70 का हुआ है, तो मिड टर्म में 20 लगेगा उसका। अगर प्रैक्टिकल 30 का है तो मिड टर्म में 5 मार्क्स लगेगा उसका। और एनुअल में अगर आपकी थ्योरी 70 की है तो 50 उसका लगेगा और प्रैक्टिकल का 25 लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 25 प्लस 5 30 ये हो जाएगा, और 20 प्लस 50 70 ये हो जाएगा, टोटल 100 आपका हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट की कैटेगरी मेंशन की गई है, आप समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि इंटरनल और प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके नंबर हैं, ठीक है? ध्यान से देख लेना, ये बात समझ लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ समझ लो, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पेपर सही नहीं गया मिड टर्म का तो टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल मिलाकर आपका 33% होना चाहिए, जिसमें आपका मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल ऐड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, तीनों को मिलाकर, ठीक है? और उसके बाद में ग्रेस भी मिलेगा, ग्रेस आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, ध्यान रखना, ठीक है? 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा क्लास इलेवेंथ नाइन्थ दोनों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है? और क्लास नाइन्थ एंड इलेवेंथ का कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि अगर मिड टर्म में उसके कम मार्क्स हैं या फिर फेल है तो एनुअल में फेल हो जाएगा, ठीक है? टोटल तो आपको मिड टर्म एनुअल सब में पास होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो तो टेंशन नहीं लेना है। एनुअल में अच्छे से मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओगे 33 से ऊपर, और प्लस इंटरनल भी आपको सही मिलेगा तो आप पास डिक्लेयर हो जाओगे। और एक दो सब्जेक्ट में अगर एक दो नंबर से रुक रहे हो तो आपको ग्रेस भी मिलेगा 10 मार्क्स का। बस यही सोचकर आपको मेहनत से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।